भ्रष्टाचार हुआ है वो भ्रष्टाचार नहीं सर, भ्रष्टाचार वाड्रा को पकड़ लिया इन्होंने। हाँ। वाड्रा को पकड़ लिया। अच्छा। कब का वाड्रा के नाम पे इन्होंने इलेक्शन जीता था। हाँ। वाड्रा को पकड़ा इन्होंने, अब इलेक्शन आएगा उसको ईडी वाले बुला लेंगे। संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी सर। देखिए देखो सर, देखिए सर, देखिए सर, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है, वो ऐसी दफा लगा देंगे नहीं, बेल होगी। वकील कहें या ना कहें, जनता को बेशक यहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग का नहीं पता, अगर जनता के पास दिमाग तो है, वो अनुभव तो करते हैं, उनका अनुभव जो कर रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जमानत देने में बार बार तारीख और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित हो गया, तो उसमें कम से कम जो केस उस बेंच के सामने लगे थे कोर्ट नंबर 3 में, वो इमीडिएटली किसी और बेंच के सामने लगाने चाहिए थे जो आज कोर्ट बैठी थी। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमान। दर्शकों, संजय सिंह का मामला इस वक्त राजनीति के केंद्र में बना हुआ है और ये जो सिलसिला चला आ रहा है इसी पर आज बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा की ये लड़ाई आखिरकार कहां तक जाएगी और कब तक ये खत्म होगी। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए विस्तार से समझते हैं कि दरअसल इसमें जो कस्टडी का खेल चल रहा है, यानी कि संजय सिंह के खिलाफ सबूतों की जब बात की जाती है तो ईडी के वकील के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। ईडी के वकील के द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि रिश्वत मांगने की जो बात कही गई है वो दरअसल एक सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप मात्र दिनेश अरोड़ा के उस बयान को एक मुद्दा बनाकर, एक जरिया बनाकर एक सांसद को आप कस्टडी में रख सकते हैं, और क्या मनीष सिसोदिया के साथ भी ठीक इस तरीके का ही खेल नहीं हुआ था? मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी कोई बड़े सबूत जो है वो ईडी सीबीआई अब तक पेश नहीं कर पाई है। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर हमारे संवाददाता ने जनता से समझने की कोशिश की कि जनता इसको क्या 2024 से कनेक्ट कर देख रही है और क्या 2024 पर इसका कोई ना कोई असर जो है वो देखने को मिल सकता है। देखिए इस रिपोर्ट। बैठे बातें कर रहे हैं, दे आर मेकिंग अस वनरेबल, सो आई टोटली कंडेम दिस। क्या आपसे बात कर लेंगे, इंडिया वर्सेस एनडीए का चुनाव होने वाला है, यानी कि दो गुटों का चुनाव है। पहले हम तमाम पार्टी को इलेक्शन में वोट डालते थे, लेकिन अब सिर्फ दो ऑप्शन आपके पास है कि आपको इंडिया को चुनिए या एनडीए को चुनिए। सर कैसे देखते हैं? मैं ये देखता हूं कि अनकम्पेंसी जो फैक्टर है 2024 का मोदी सरकार का, वो तो काम करेगा और वो डिवाइड नहीं होगी। अगर वो डिवाइड नहीं होगी अपोजिशन की, तो डेफिनेटली उसमें इंडिया को फायदा होगा। सर इंडिया को फायदा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। सर देखिए, ये आंकड़ों का जो गेम जो है ना, ये तो आप उसको इसको किसी तरह भी मोल्ड कर सकते हैं। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सारा मीडिया उनके साथ है। कभी मुझे चलो यार ये बतला दीजिए, आज 9 साल में मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी भाई। हाँ जी, जो मोदी मीडिया है हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, इन्होंने कभी महंगाई पे करी बात, अनएम्प्लॉयमेंट पे करी बात? रेलवे में कितनी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं? अरे भाई आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, हमारी जीडीपी आगे आ जाएगी। ठीक, भ्रष्टाचार हुआ है वो भ्रष्टाचार नहीं सर, भ्रष्टाचार वाड्रा को पकड़ लिया इन्होंने, वाड्रा को पकड़ लिया। कब का वाड्रा के नाम पे इन्होंने इलेक्शन जीता था। हाँ। वाड्रा को पकड़ा इन्होंने, अब इलेक्शन आएगा उसको ईडी वाले बुला लेंगे। संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी सर। देखिए देखो सर, देखिए सर, देखिए सर, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। हाँ। वो ऐसी दफा लगा देंगे नहीं, बेल होगी। दबाव में लगता कि एजेंसियां हैं? है, बिल्कुल है, कब नहीं थी, इनकी इनकी यहाँ पर ज्यादा है। ये इलेक्शन ही जीते थे वाड्रा की वजह से, वाड्रा को इन्होंने पकड़ा नहीं अभी तक। चेंज ऑफ संजय सिंह बयान दे रहे थे राजू रेवेन्यू कोर्ट से कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं, हम नौकर से नहीं डरते हैं। इस बात को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सर उद्योगपति को अगर आप सर सुनिए, जब सबसे पहले 2014 में मोदी जी पोस्ट के लिए आ रहे थे दिल्ली, तो किसके जहाज पर आए थे? अडानी के जहाज पर आए थे। ही इज डेजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर, ही शुड कम इन द एयरफोर्स, गवर्नमेंट के जहाज पे उनको आना चाहिए था, एक प्राइवेट प्लेन में आ गए। दुनिया भर में फोटो, मैं अभी दिखा देता हूँ फोटो आपको। वाई ही चूज
चूज दिस अडानी एयरक्राफ्ट इज़ ए डेजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर को तो सरकारी जहाज पे जाना चाहिए, तो और इसके और इससे ज़्यादा प्रूफ और क्या चाहिए आप? ऐसा होता है तो इससे क्या खतरा देश को हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते होंगे ना सर? उस समय प्रधानमंत्री वो नहीं थे, वो डेजिग्नेटेड अडानी के जहाज में आ रहे हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री जब ये जब वो ओथ लेने के लिए 2014 में अडानी के जहाज में आए हैं, वो सोशल मीडिया में है, वो मैं भी दिखा देता हूँ आपको। तो भाई ये आपका आपकी दोस्त, तो आपने देखा दर्शकों, अब जिस ढंग से इस पूरे मामले में सिलसिलेवार तरीके से ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के एक नेता नहीं, दो नेता नहीं, तीन नहीं, चार चार पांच पांच नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई लगातार चल रही है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अमानतुल्ला खान के अजय खिलाफ कार्रवाई होती है, तो इसको क्या मात्र एक इत्तेफाक समझा जाए या एक तरीके से जो आम आदमी पार्टी दावे कर रही है कि एक षड्यंत्र है? क्योंकि भाजपा को ये बात रास नहीं आई कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा कैसे बन गई, और साथ ही जो एमसीडी में करारी हार आम आदमी पार्टी ने देने का काम किया दर्शकों, वो दरअसल अब तक हजम नहीं हो पा, और इसी का कारण है कि यहां पर ये लड़ाई और भी ज्यादा गंभीर रूप अख्तियार कर रही है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह और आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा 2024 इन तमाम मामलों को लेकर के अपने पक्ष को रखा है। एक बार जरूर देखिए इस रिपोर्ट। ये देश ये पता नहीं लगा सकता, या तो कहानी झूठी है या हमारी ईडी अक्षम है। इसके दोनों ही मामले में कोई आदमी एक्यूज्ड को भुगते उसको कम से कम जमानत मिलनी चाहिए। अरे ये सारे मामले तुम ट्रायल कोर्ट में रख सकते हो, बाद में भी तुम्हें कोई सबूत मिल जाए ट्रायल कोर्ट में रखो। ट्रायल कोर्ट का काम है सजा देना, कोई आदमी सजा के काबिल है भी नहीं, वो वाकई अभियुक्त है कि नहीं है, खाली अभियुक्त बना के कि वो दोषी है कि नहीं, वो तो कोर्ट का काम है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कभी भी इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है जिस तरह से ईडी के कहने पे बार बार समय दिया जा रहा है, ये हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। ईडी पर दबाव हो सकता है क्योंकि विपक्ष की पार्टी जो अलायंस हुआ है उनका यही कहना है कि विपक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को चलने का प्रयास किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते? ये बिल्कुल बात सही है, मगर इसमें आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जिन जिन की सरकार आती हो इस तरह की बेवकूफियाँ तो ये सारे लोग करते हैं और अभी भी हो रही है, और वो स्पष्ट नज़र आ रहा है। मैं कहूँ या ना कहूँ, वकील कहें या ना कहें, जनता को बेशक यहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग का नहीं पता, मगर जनता के पास दिमाग तो है, वो अनुभव तो करते हैं, उनका अनुभव जो कर रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जमानत देने में बार बार तारीख और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित हो गया, तो उसमें कम से कम जो केस उस बेंच के सामने लगे थे कोर्ट नंबर 3 में, वो इमीडिएटली किसी और बेंच के सामने लगाने चाहिए थे जो आज कोर्ट बैठी थी। राइट टू लाइफ को इतना ईजी कैसे ले सकते हैं? फंडामेंटल राइट को आप करप्शन पर ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आपने बिठाया 7 जजों का, भाई पार्लियामेंट के अंदर ये जो लोग गलत काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, इनको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इन पर इस तरह के मामले पूरी छूट दे दें क्या? पूरी छूट दें तो नंगा नाच हो जाएगा देश में कि पैसे ले लेके वोटिंग की इन लोगों ने, इधर से उधर दल जनता थोड़ी पसंद करती है। अरे जनता जो चाहती है वो है असली कानून, तो जनता चाहती है करप्शन चाहे बंदर हो चाहे बाहर हो, तुम कानून का लबादा नहीं ओढ़ सकते। हाँ, अच्छा काम करने के लिए वो बोलने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, मगर बुराई को भी तुम इम्यूनिटी समझो कि इम्यूनिटी मिल गई मेंबर पर। तो आपने देखा दर्शकों, अब धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है कि दरअसल इंडिया वर्सेज एनडीए की ये लड़ाई इसी तरीके से कहीं ना कहीं लड़ने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो इसको पूरी तरीके से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि दरअसल उनके खिलाफ सबूत थे, उन्होंने इस तरीके के काम में शामिल होने का कहीं ना कहीं उनको क्लू मिला, तब जाकर के छापेमारी हुई और तब जाकर के ही उन्हें काल कोठरी के भीतर डाल दिया गया। लेकिन इस पर कितना ज्यादा विश्वास किया जा सकता है? कई ऐसे हमने केस देखे हैं जो राजनीतिक अदावत, राजनीतिक दुश्मनी के कारण नेताओं को कैसे जेल में घुसेटा जाता है और फिर उसके बाद बिना सबूत बिना किसी वजह के 1-1.5 साल के बाद उन्हें जो है कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं बाइज्जत बरी वाला फैसला जो सुनने को मिला। अब फिलहाल 2024 पर इस तमाम जो खेल का असर है वो किस ढंग से पड़ता है देखना होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।